हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड इस प्रॉब्लम के बारे में। कॉल रिकॉर्डिंग हैज नाउ एंडेड। तो इसके लिए आपका फोन का सेटिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका पहले एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद वो सेटिंग को चेंज करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन को फिर से अनइंस्टॉल कर देना है। तो चलिए पहले मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर में सर्च करना है TTSLEXX। तो देखिए पहले नंबर पे जो एप्लीकेशन आ गया उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि बहुत ही एक छोटा एप्लीकेशन है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओपन कर लेना है, और अगर यहाँ से ओपन नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो फिर आपको फोन की सेटिंग में जाना है, उसके बाद ऊपर में सर्च कर लेना है स्पीच रेट SPEECH। तो देखिए यहाँ पर पहले आ गया स्पीच रेट, तो स्पीच रेट पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर पहले भी जो ऑप्शन है पेफर इंजिन, तो पेफर इंजिन पे आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गूगल का सिलेक्ट है, तो आपको यहाँ पर TTSLEXX को इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फोन के होम स्क्रीन में जाना है। होम स्क्रीन में जाने के बाद आपका ये जो गूगल डायलर है, इस गूगल डायलर का डेटा को क्लियर कर लेना है। तो डेटा को क्लियर करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जितनी भी कॉल लॉग्स है, ये सारे के सारे कॉल लॉग्स डिलीट हो सकता है। तो अगर आपकी कॉल लॉग्स में कोई इंपॉर्टेंट नंबर है, तो फिर आपको उस नंबर पे पहले सेव कर लेना है, उसके बाद आपको इस गूगल डायलर का डेटा क्लियर कर लेना है। तो अभी हम स्टोरेज पे टैप करेंगे, उसके बाद क्लियर स्टोरेज, अभी ओके पे टैप करेंगे। उसके बाद चले मैं एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि अभी भी वो कॉल रिकॉर्डिंग का साउंड आता है या नहीं आता है। तो चले मैं इसके लिए कोई भी एक नंबर में कॉल कर लेता हूँ, जैसे कि मैं 198 पे कॉल करता हूँ। उसके बाद पहले एक बार फर्स्ट टाइम वो कॉल रिकॉर्डिंग का साउंड आ सकता है। तो एक बार मैं कॉल को रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया, फिर भी यहाँ पर रिकॉर्ड का कोई साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं स्टॉप कर दिया, फिर भी नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी हम उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर और एक बार ट्राई करके देखेंगे कि साउंड आता है या नहीं आता है। तो पहले मैं आपको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से और एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ कि रिकॉर्ड का साउंड या अनाउंसमेंट कुछ आता है या नहीं। तो अभी आप देखिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, फिर भी यहाँ पर कोई अनाउंस या कोई रिकॉर्ड का साउंड नहीं आ रहा है। मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड को स्टॉप करके स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, पर देखिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड का साउंड या अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय।